आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कुसुम क्रिएटिव आइडियाज में। सो दोस्तों, जैसा आप सब लोगों को पता है कि सर्दी भी आ चुकी है, तो सर्दी में फिट रहने के लिए कुछ तो हमको करना ही पड़ता है। तो आज मैं उसी के चलते लेकर आई हूँ सर्दी में खाने वाली चीज यानी कि पिनिया। तो आइए पिनियों की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, पिनिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये देखी है कढ़ाई में आटा डाल लिया है। आप अपने हिसाब से आटा डाल सकते हैं, यानी कि जितनी भी आपने पिनिया बनानी है आप उसके हिसाब से आटा डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। सो गाइस, ये देखिए मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 10-15 मिनट रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो 10-15 मिनट भी कर सकते हैं, या फिर जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हम इसको रोस्ट करते रहेंगे। सो गाइस, ये देखिए हमने आटे को 10-15 मिनट रोस्ट किया था। ये देखिए रोस्ट करने के बाद मैंने उसको एक प्लेट में निकाल लिया था, और ये देखिए हमारे आटे का जो कलर है वो कितना ब्यूटीफुल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको छान भी लिया था, आप भी छान लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। सो गाइस, ये देखिए पिनिया बनाने के लिए मैंने 4 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये देखिए, ये मैंने बादाम लिए हैं, और ये काजू लिए हैं, और ये मगज लिए हैं, ये देखिए, और ये चीनी ली है। आप सोच रहे होंगे इतनी चीनी हम क्या करेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं। और हम क्या करेंगे, हम काजू को भी पीस लेंगे, बादाम को भी पीस लेंगे, और ये जो मगज है हम उसको नहीं पीसेंगे, और चीनी को भी पीस लेंगे। अगर आप काट के डालना चाहें तो आप काट के भी डाल सकते हैं। तो आइए अब हम इन चीज़ों को पीस लेते हैं। सो गाइस, ये देखिए मैंने बादाम को भी पीस लिया है, और ये काजू को भी पीस लिया है, और ये चीनी को भी पीस लिया है। सो गाइस, मैंने चीनी को पीस के अच्छे से छान लिया है, क्योंकि जब हम इसको छानते हैं तब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं चीनी के वो रह जाते हैं। तो आप भी छान लीजिए, वरना वो हमारे खाने में वापस आ सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। सो गाइस, ये देखिए मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे रोस्ट किया हुआ आटा। ये देखिए सबसे पहले हम इसमें आटा डाल देंगे। ये देखिए आटा डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये काजू जो हमने पीस लिए थे, ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे बादाम जो हमने पीस लिए थे, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। सो गाइस, अब हम इसमें डाल देंगे चीनी जो हमने पीसी थी। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी को डाल सकते हैं, ये देखिए मैं इतनी सी डाल दूंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ये देखिए, ताकि हमारी ये मिक्स की हुई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, ये देखिए। सो गाइस, ये देखिए हमने एक गैस पे एक कढ़ाई रख ली है, उसमें मैंने प्योर देसी घी डाल दिया है। आप अपने हिसाब से इसमें देसी घी डाल सकते हैं। ये देखिए जब देसी घी मेल्ट हो जाएगा, ये जो हमने मगज लिए थे हम इसमें रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, उसके बाद में डाल देंगे। सो गाइस, ये देखिए हमारा जो घी है वो अच्छे से गर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मगज डाल देंगे और इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गाइस ध्यान रखिए, हमारे जो ये मगज है वो ज़्यादा भी रोस्ट ना हो जाए, मतलब हल्के हल्के रोस्ट हो। जब इनका कलर थोड़ा सा ब्राउन या फिर आपको गोल्डन नज़र आने लग जाए, तो हम इनको जो हमने वो मिक्स बनाया था सभी चीज़ों का, उसमें हम ये डाल देंगे। ये देखिए अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। गाइस ये देखिए आपको दिख रहे होंगे जो हमारे थोड़े थोड़े मगज है वो थोड़े से गोल्डन कलर के होने लग पड़े। अब हम क्या करेंगे, घी तो हमारा गर्म ही है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सो गाइस, ये देखिए हमने जो मगज को रोस्ट किया था वो हमने जो हमारा आटे का मिक्स बनाया था उसमें हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। गाइस ध्यान रखिए ये बहुत ही गर्म है, तो आप थोड़ा ध्यान से ही इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। सो गाइस, ये देखिए हमारी पिनिया बनके रेडी है। तो गाइस सर्दी का टाइम भी है, और अगर आपने ये रेसिपी नहीं ट्राई की है अब तक तो कोई बात नहीं, आप जल्दी से ट्राई करना, क्योंकि अब सर्दी का भी टाइम है। तो अगर हम इसको खाएंगे तो हम एकदम फिट रहेंगे और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। तो आप भी ये बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं और इन्जॉय करें।
सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जल्दी मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ स्टे होम। थैंक यू। और गाइस जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना।